दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप। जब इस वीडियो को मैंने भी देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि अब टीएस सिंहदेव पर किसने जान से खतरे का आरोप लगाया। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ में चुनाव आया है तो अपनी ही पार्टी के अंदर टीएस सिंहदेव एक दुश्मन की भूमिका में ऐसे मुद्दों को फिर से खड़ा कर, क्योंकि 136 दिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पद यात्रा राहुल गांधी तय कर चुके, और मोदी और शाह की ईडी और सीबीआई पर यह आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का सत्ता पाने में दुरुपयोग किया जा रहा है। लगभग 200 से अधिक छापे छत्तीसगढ़ में ईडी मार चुकी है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के विरोधी भी कांग्रेस के साथ आकर के, पब्लिक जाने आगे क्या होगा, ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। रायपुर और दिल्ली में बैठकर पत्रकार जो आकलन आपको बताते हैं, दरअसल धरातल पर जो हकीकत है उससे वो ठीक विपरीत। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ वासियों को, इसलिए वो इस्तीफा। तो इतने मंत्रालय और इतना सम्मान देने के बाद कांग्रेस पार्टी को टीएस सिंहदेव ने क्या लौटाया, यह समीक्षा का विषय है। परंतु यह आरोप है कि कहीं ना कहीं अदानी से टीएस सिंहदेव की कोई सेटिंग हुई। बहुत ही हास्यास्पद बात निकल करके सामने आती है, जो एक राजनेता ने मुझे बताया कि उस समय टीएस सिंहदेव के पास 28 विधायक थे। अब ये 28 विधायक कौन के मुताबिक कांग्रेस की 55 से जो 57 सीट आ रही है वो 45 से 47 हो जाएगी, और जब 45 से 47 हो जाएगी तो हम सभी जानते हैं कि ऊपर में कौन शख्स बैठा है, और उसे सरकार मध्य प्रदेश की तरह और अन्य राज्यों की तरह कैसे गिरानी है और कैसे अपनी सरकार बनानी है, ये सभी बखूबी जानते हैं। देव के द्वारा दिए गए बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि एक वोट से जनता उन्हें जिता दे, उस तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कहीं ना कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव में टीएस सिंहदेव यह भूल नहीं पा रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। बहरहाल जो कुछ भी हो, सरगुजा में रहकर पैलेस का विरोध करना इतना आसान काम नहीं। कि आंख में पट्टी रहे और अक्ल में ताला रहे, इनके शहंशाह का यूं मर्तबा कुछ आला रहे, इस दुनिया में हुजूर को और क्या चाहिए है दोस्त, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। शुक्रिया।